अपना देश अपनी बात, हिमालय से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, करेंगे हम हर राज्य की बात। इनको याद करो, नहीं खाओगे एग्जाम में मात। हेलो दोस्तों, माईसेल्फ जय भगवान। जीके सीरीज के तहत हम हर राज्य को चुनेंगे और सबसे पहले हम ऐसे राज्य को चुनते हैं जहां दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। हम सीधा ले चलते हैं आपको हरियाणा। सबसे पहले हरियाणा का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा जो है दो शब्दों से मिलकर बने, हरी प्लस आना। हरी का मीन्स विष्णु और आना का मीन्स आगमन, यानी भगवान विष्णु का आगमन होना या आना हरियाणा। और मनु के अनुसार इस प्रदेश का जो अस्तित्व है वो देवताओं से माना गया, देवताओं से हुआ मनु ने कहा। और इसके अलावा हरियाणा के अगर प्राचीन काल से देखें तो हरियाणा का जो इतिहास है बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन है। वैदिक साहित्य की बात करें उसमें भी हरियाणा का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की और विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, उसमें भी हरियाणा का जो उल्लेख है काफ़ी मिलता है। हरियाणा को उत्तर भारत का द्वार कहा जाता है, उत्तर भारत का द्वार हरियाणा कहा जाता है। और छठी शताब्दी में पूरा जो भारत था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। वहाँ भी 16 महाजनपद में से एक कुरु प्रदेश था, उस वहाँ इस इलाके को कुरु प्रदेश बोला जाता था, वहाँ भी इसका उल्लेख मिलता है। तो आज़ादी के बाद अगर देखें तो हरियाणा जो पंजाब का पार्ट था और उसके बाद इसके अलग होने की मांग लगातार उठती रही। अतः सबसे पहले 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष जो हमारे सरदार ऊधम सिंह, उसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर एक विचार किया गया और उसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। उसके बाद मार्च 1966 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरीसा की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन कर दिया गया। अतः सितंबर में 1966 में संसद में पंजाब पुनर्गठन जो आयोग है उसकी स्थापना कर दी गई और पंजाब का विभाजन करके हरियाणा को 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों हरियाणा के राजनीतिक जो परिदृश्य है उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। पहली विधान जो सभा उसके प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। आपको याद बता दें आपको जो पीजीआई रोहतक है ओबीसी के नाम से रोहतक की पीजीआई, इसी के नाम से। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थी एक महिला थी छन्नो देवी। आपको यही बता दें कि ये अपने देश में पहली फर्स्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष बनी थी इंडिया में, अगर देखें पूरे इंडिया में महिला कोई बनी हो तो यही थी छन्नो देवी। अगर इसका वर्तमान परिदृश्य अगर उसकी तरफ देखें तो 13वीं विधानसभा चल रही है, उसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। और ये वैसे तो 10वें चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, लेकिन सीरीज वाइज अगर देखें तो 18वें चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आपको इसके बारे में और कुछ बातें बताऊं तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अविवाहित हैं यानी किसी ने शादी नहीं की है। और अब जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जो राज्यपाल हैं वहाँ के। और विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं अब कौरपाल गुर्जर। दूसरी बात अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें, राज्यसभा की 5 हैं और एमएलए 90 हैं। ये बेसिक सी जानकारी आपको दी है मैंने हरियाणा की राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित। तो अब ले चलते हैं हरियाणा की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए। हरियाणा का जो एरिया है वो है 44212 वर्ग किलोमीटर, कहिए इसको वर्ग किलोमीटर।
इसकी कैपिटल यानी राजधानी और चंडीगढ़ है। आपको बता दें आप एक चीज ध्यान दें कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। जिले जिले हरियाणा 22 है और पंजाब के 22 है, ये आपके लिए बता दें। और बात इसकी जो लोकेशन है, जो स्थिति है, वो भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है, भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है ये। और भाषा इसकी मेनली जो है हिंदी बोली जाती है यहाँ पर, और बोली जो है हरियाणवी है। मंडल यहाँ पर हरियाणा में 6 मंडल है किसको बांटा गया। ये पहले 4 थे, जनवरी 2017 में 2 और बढ़ गए थे, 6 हो चुके हैं। अगर बात करें साक्षरता दर की तो लगभग ये 76.64% है इसकी साक्षरता दर। जनसंख्या 2,53,53,081 जो है इसकी जनसंख्या टोटल। महिला थाने जो है 31 है। उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, दोनों का एक ही है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। और राजकीय जो खेल है, राजकीय खेल या कुश्ती है, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या कहीं भी गेम हो, तो सबसे ज़्यादा कुश्ती में मेडल हमारी हरियाणा की जाती है। पशु नीलगाय है, नीलगाय। पक्षी काला तीतर। तो ये दोस्तों ये थी हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम हरियाणा के बारे में पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे और हरियाणा के बारे में और विस्तृत से और जानकारी आपको देंगे। जब तक हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।